जी दोस्तों, हमने कुछ मॉड्यूल पहले हमने डेटा क्लाउड होस्टिंग डेटा सेंटर का डिज़ाइन देखा था। आपको याद होगा एक स्लाइड, इसमें कि हॉलो फ्लोर और रैक्स और सीआरएसी यूनिट्स और जो डिगर जो हैं रिलेटेड टू कोड एंड पॉटेशियल हमने डिस्कस किया था। इस डिज़ाइन को हम, अगर आपके जहन में, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक वेयर हाउस डिज़ाइन है, जिसमें कि एक जो एक फैसिलिटी है, एक रूम है डेटा सेंटर का, फॉर एग्जांपल एक हॉल कमरा है, उसके अंदर ये इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। एक और जो जदीद जो डिज़ाइन है उसका हम थोड़ा सा जिक्र पिछले मॉड्यूल में भी कर चुके हैं, वो है मॉड्यूलर डिज़ाइन। अब हम उसके बारे में भी देख लें कि ये क्या चीज़ है। मॉड्यूलर डेटा सेंटर इन शिपिंग कंटेनर्स, शिपिंग कंटेनर, कंटेनर ये वही उसी तरह के आप कंटेनर समझ सकते हैं कि जिसमें शिप्स से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक शहर से दूसरे शहर में सामान जाता है। हम बात कर रहे हैं एक कंटेनर में सैकड़ों सर्वर्स की, एक सेट है सर्वर्स का, अरेंज कर दिया है वो कंटेनर, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दें। ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, ट्रक के ऊपर आ सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल है आज की जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद दौर में ये चीज़ पॉसिबल है कि आप जो क्लस्टर्स हैं, हम एक कंटेनर में क्लस्टर कहेंगे, एक क्लस्टर है उसको ही जोड़ जोड़ के हम एक पूरा डेटा सेंटर बना सकते हैं। एक इसकी अगर मजीद आगे हम देखें तफसील, मॉड्यूलर डेटा सेंटर इन शिपिंग कंटेनर्स में इसकी एक एग्जांपल है कि SGI आइस क्यूब जो कंटेनर है, ये एक वेल नोन मैन्युफैक्चर है। सो बुक इसको कोट करती है कि कैन होस्ट 46,080 प्रोसेसिंग कोर्स और 30 PB ऑफ स्टोरेज पर कंटेनर। यानी ये कंपनी ने जो कंटेनर्स लॉन्च किए हैं मॉड्यूलर डिज़ाइन के डेटा सेंटर के, वो एक ह्यूज कैपेसिटी रखते हैं अपने अंदर, जो है प्रोसेसिंग की भी और डेटा स्टोरेज की भी। सच अ डिज़ाइन इज मोर एनर्जी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कूलिंग कॉस्ट एज कंपेयर टू वेयर हाउस बेस्ड डिज़ाइन। अकॉर्डिंग टू बुक, ये जो डिज़ाइन है ये वेयर हाउस बेस्ड डिज़ाइन से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ कूलिंग। इसकी तफसील में या टेक्निकल डिटेल्स में हम जाए बगैर, हम बुक की जो ऑब्जर्वेशन है हम मैं उसको यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। इज मोर मोबाइल एंड इजीली ट्रांसपोर्टेबल। एक कंटेनर है, ट्रक पे उसको लोड करें, उसको एक शहर से दूसरे शहर में, एक फैसिलिटी से दूसरे फैसिलिटी में ट्रांसफ़र कर दें। चाहे तो बाज़ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि जो, फॉर एग्जांपल आप ट्रक में ही जो है उसको चला लें, अगर उसके साथ उसकी एनर्जी जो है जनरेटर्स उसके साथ अगर हैं तो। सो इस हद तक जो डायनेमिक कर दिया गया है, इस हद तक आसान कर दिया गया है डेटा सेंटर की इम्प्लीमेंटेशन। इज रेडी टू बी डिप्लॉयड सिंस इट इज असेंबल्ड एंड विथ सर्वर्स, नेटवर्किंग, पावर सप्लाईज एंड कूलिंग मैकेनिज्म्स। ये रेडी टू बी डिप्लॉयड है, तैयार हालत में है। क्या है, कुछ है इसके अंदर, सर्वर रेंज है, नेटवर्किंग हुई हुई है सर्वर्स की आपस में विद इन कंटेनर, पावर सप्लाईज लगी हुई हैं, कूलिंग जो है उसकी फैसिलिटी वो इम्प्लीमेंट की हुई है। ईच एंड एवरी कंप्लीट एक यूनिट है ये, इसको एक्वायर करे कंपनी, लगा ले, डेटा सेंटर एक्सपेंड करना है, एक और कंटेनर मंगा लें, एक और कंटेनर मंगा लें, उसको लगाते जाएं बस। सिर्फ आपको एक उसकी जो एक लेयर टू की जो जो है कंटेनर से, एक अपर लेयर की जो इंटरनेटवर्क जो है, इंटरकनेक्शन नेटवर्किंग है जो हम पिछले मॉड्यूल में देख चुके, वो सेटअप करना पड़ेगा। हेल्प्स इन डायनेमिक स्केलेबिलिटी ऑफ डेटा सेंटर। डेटा सेंटर की जो है एक्सपेंशन या उसकी कैपेसिटी कम करनी है, डायनेमिकली कर सकते हैं इस डिज़ाइन से। सच अ डिज़ाइन मेक्स द रीलोकेशन ऑफ डेटा सेंटर एज रिलेटिवली ईजियर देन वेयर हाउस बेस्ड डिज़ाइन। सबसे एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बातों में से एक इम्पॉर्टेंट बात, डेटा सेंटर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, कंटेनर ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया कर दें, नया नई जगह ले जाएं डेटा सेंटर। वेयर हाउस में अगर हैं, एक तो फिजिकली उसके ऊपर इंस्टॉल है, उसको पहले लोड करें, पहले उसको ऑफ करें, नेटवर्किंग इक्विपमेंट निकालें, डिस्कनेक्ट करें, पावर डिस्कनेक्ट करें, उसकी कोर्ड्स निकालें, फिर उसको लोड करें एक जगह पे एक ट्रक में, फिर उसको नई जगह लेके जाएं, फिर नए सिरे से उसको अरेंज करें। यहाँ क्या हो रहा है मॉड्यूलर कंटेनर डिज़ाइन में, एक यूनिट है उसमें अंदर एक पूरा क्लस्टर है, एक जगह से दूसरी जगह शिप कर दें। फिर आखिर में
इंटर मॉड्यूल कनेक्शन नेटवर्किंग, यानी जो दो कंटेनर्स या मल्टीपल कंटेनर्स के दरमियान जो नेटवर्किंग है, रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा लेयर ओवर मॉड्यूलर कंटेनर, जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूँ, टू अलाउ डायनेमिक स्केलिंग एंड इंटरकनेक्शन। सो जो इसके जो एक्स्ट्रा जो इसके साथ जो काम करना पड़ेगा, हर एक मॉड्यूलर कंटेनर के साथ नेटवर्क से इसको लिंक करना पड़ेगा, एक लेयर अप जो है अपर लेयर जो है वो नेटवर्किंग की हो, नया कंटेनर आया उसको जस्ट स्विच कर दें, उसके साथ जो है लिंक कर दें, कर्न आए उसको लेयर अपर लेयर के साथ लिंक कर दें, आपने रिमूव करना है अपर लेयर से उसकी कनेक्टिविटी निकाल दें, वो कंटेनर जो है आप निकाल सकते हैं या उसका यूजेज आप बंद कर सकते हैं ऑल टुगेदर, जितना भी सर्विस। सो इट इज़ वेरी इजी टू मैनेज शिप एंड मेंटेन जो है मॉड्यूलर कंटेनर डिज़ाइन। और जो है इस तरह से हमने इसमें इस मॉड्यूल में हमने वेयर हाउस बेस्ड डिज़ाइन के मुकाबले हमने मॉड्यूलर डिज़ाइन को भी तफसीलन जो है वो हमने देखा है।